सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। आज हम आप सबको बताएंगे कि शिवलिंग घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, शिवलिंग घर में रखने से क्या फायदे होते हैं, क्यों शिवलिंग घर में रखना चाहिए, तो इस विषय पर आज जानकारी देंगे हम आप सबको। शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म शास्त्रों में शिवलिंग का बृहद वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग घर में रखना चाहिए। शिवलिंग घर में रखने से अनेक फायदे मिलते हैं। शिवलिंग घर में रखने से अनेक प्रकार के उपद्रव शांत रहते हैं, घर में शांति का माहौल रहता है। और सर्वप्रथम बात, भगवान शिव की पूजा जिस घर में होती है उस घर में भूत प्रेत आदि दोष नहीं रहता। शिवलिंग का अगर घर में स्थापना करके एक वर्ष तक विधिवत पूजन अर्चन किया जाए, यानी महीने में पूर्णमासी को और त्रयोदशी के दिन एक दिन भी शिव का रुद्राभिषेक किया जाए, तो एक वर्ष तक लगातार करने से शिवलिंग में इतनी प्रचंड शक्ति आ जाती है कि घर में किसी भी प्रकार के तांत्रिक विचार, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत आदि रह ही नहीं सकते। क्योंकि जब शिवलिंग एक वर्ष तक घर में आपके पूजित हो जाएगी, तो घर में जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं या तो चली जाएंगी या तो शिवलिंग के ही अंदर सदैव के लिए समाहित हो जाएंगी, उनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और कोई यदि आती भी है नकारात्मक शक्ति, तो शिवलिंग में ही समाहित हो जाएगी। करीब अंगुष्ठ के बराबर शिवलिंग घर में रखना चाहिए, 8 अंगुल तक रखना चाहिए। बड़ी भी रखने से कोई दोष नहीं है, लेकिन गृहस्थ व्यक्तियों के लिए बड़ी शिवलिंग घर पे नहीं रखना चाहिए, जिससे विरक्ति आती है, संसार के प्रति थोड़ा मोह भंग होने लगता है। और शिवलिंग का बड़ा होना कोई वैसी बात नहीं है कि रखने से कोई दोष हो जाएगा, लेकिन अपने समाज के हिंदू शास्त्रों में जो वर्णन है उसके विरुद्ध समाज के कुछ विधर्मियों द्वारा यह गलत प्रचार प्रसार किया गया कि शिवलिंग घर में रखने से नाना प्रकार के दोष उपद्रव तरह तरह की कला होने लगता है, घर में धन की हानि होने लगती है, शिवलिंग रखने से घर में तरह की बीमारियां आने लगती हैं। इस तरह के जो हिंदू शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने वाले विधर्मी लोग हैं उनके द्वारा फैलाया गया यह प्रचार है, जो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शिवलिंग रखने से ऐसी कोई समस्या होती है, बल्कि शिवलिंग रखने से घर में वो सुख समृद्धि शांति मिलती है जो व्यक्ति को तनिक प्रयास से ही फलीभूत हो जाती है। शिवलिंग रखने से घर का माहौल एकदम शुद्ध रहता है, प्राकृतिक रहता है और तरह तरह के लाभ व्यक्ति के कार्यों से उसको मिलते रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव ही सभी कुछ देने में समर्थ हैं, वही भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। शिवलिंग रखने के और अनेकों लाभ हैं। शिवलिंग सब लोग एक ले आइए घर में, अपने पूजित कीजिए, जिससे प्रभु के चरणों की कृपा मिले और आपके जीवन में भी जो परेशानियां आ रही वो भी कम हो। इसका और भी बहुत सब प्रयोग है शिवलिंग का, जो हम आगे चल के आप सबको बताएंगे कि घर में रखने से किस तरह पूजित करने से क्या क्या फायदे होते हैं, किस शिवलिंग को रखने से क्या बेनिफिट होते हैं, तो बताएंगे आप सबको। आप श्वेत शिवलिंग ला के भी घर पे रख सकते हैं, काली शिवलिंग भी ला के रख सकते हैं, हरी शिवलिंग भी ला के रख सकते हैं। तो तरह तरह के रंग के शिवलिंग का अलग अलग महत्व है। तो सफ़ेद रखने का अलग महत्व है, काली शिवलिंग रखने का अलग महत्व है, हरी शिवलिंग रखने का अलग महत्व है, चांदी का जो शिवलिंग बना के रखते हैं उसका अलग महत्व है, स्फटिक का, पारद का, सोने का, हीरे का, सभी शिवलिंग का अलग महत्व है। इसका फिर हम वर्णन आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि रखने का क्या महत्व है, इनसे क्या क्या प्राप्त होते हैं, इससे क्या मनुष्य की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, कौन से शिवलिंग से कितनी मनोकामना पूर्ण होती है, इस विषय पर हम आप सबको बताएंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई परलौकिक समस्या है या कोई भौतिक या आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो हमें कॉल करिए, कॉल मी फोर ऐप के माध्यम से योग माया दरबार सर्च करिए और कॉल करिए, नहीं हमारे जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर भी कॉल करके आप हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। जय श्री माता रानी, जय मा योग माया।